तो दोस्तों ये आ चुकी है भाई हमारे सामने मारुति की, इतनी जबरदस्त लग रही है ना तो भाई। अब देखिए ये कितनी सीटर है, अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन अभी इसका बाहर का लुक देखिए आप, ग्रिल देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। हेडलैम्प का भी सेटअप जो है बिल्कुल इस तरह के तरीके से दिखाई दे रहा है अपने दो पैनल में, जो कि भाई LED में है। यहाँ पर बल्ब का कोई सेटअप नहीं दिख रहा भाई। और नीचे देख सकते हैं ये हमें DRL, हाँ DRL तो कह सकते हैं, ये ऐसा फॉग लैंप भी काम करेंगे। और मैं आपको ले चलता हूँ भाई इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई साइड प्रोफाइल पे ले चलते हैं, तो भाई इसको ये मिल जाता है हमें, ये है भाई स्पेयर व्हील। और हाँ हमें ना देखिए कैमरा भी मिल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है बिल्कुल देखने में। और डोर हैंडल क्रोम में मिल जाएंगे हमें, और भाई सब लगे पड़े हैं भाई इस तरीके से देख लो। अभी अभी बस पर्दा उठा है, मैं पर्दे का शॉट लेना भूल गया। बाकी देखिए भाई जबरदस्त लग रही है इनविक्टो। पीछे देखिए आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। और हाइब्रिड में है नेक्सा, इसका फुल्ली एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, अभी आपको सिर्फ ओवर रिव्यू दे रहा हूँ। ये है भाई हाइमोल्ड टॉप लैम्प, डिफोगर और डिफॉगर और अपने वॉशर के लिए अपना वाइपर। और यहाँ पर हमें देखिए इनविक्टो है, और ये देखो भाई पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। अरे यार खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खुल गया भाई, अरे हाय अपने यहाँ ऑटोमेटिक खुल रहा है देखो, और कैमरा भी था भाई। अब ये देखो अच्छा खासा पूरी फिर मिल जाता है। अब इसमें हम देख सकते हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीटर हमें मिल जाती है आराम से। और पीछे की अपनी सीट देखते हैं, बीच में हमें आर्म रेस्ट मिल रहा है भाई कुछ इस तरीके से भाई, जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई बंद कर दिया, मतलब बटन दबाया और बंद हो गई, बिल्कुल जबरदस्त लग रही है भाई। और इसके मैं आपको ना इंटीरियर की तरफ ले चलता हूँ, तो ये देखिए भाई ये पूरा सॉफ्ट टच मिल रहा है भाई, ये देखिए कितना जबरदस्त दे रखा है आपको। और ये पूरा देखिए आप पट्टी देख सकते हैं, और चारों पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, आपको ORVM की एडजस्टमेंट और सीट सेटिंग भी मिल जाती है आपको, जो सेट करेंगे इस तरीके इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग मिल जाती है पूरी। और ये देखिए सीट भी देख सकते हैं आप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ चल देते हैं भाई पूरा आपको, तो ये देखो भाई पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पूरा एक स्टिचिंग के साथ आपको ये पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल और गियर का सिस्टम तो भाई पूरा यहाँ दे रखा है, कितना जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर आपको पॉपअप में आपको मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम, और IRVM आपको ऑटोमेटिक मिलेगा डे नाइट में। और टिकट होल्डर यहाँ पर ही दे रखा है भाई जबरदस्त, आप देख सकते हैं। और ये मिलता है वेंटिलेटिव मिरर, जो कि लाइट जो है ना वो इसी से वर्क कर रही है आराम से। और हैलोजन में ही यहाँ पर हमें केबल लैंप मिलेगी। और ये देखिए आप ये क्या है, इसका जो है ना इसमें हमें रूफ भी मिल जाती है, सनरूफ। मैं इसको खोलने की कोशिश करूँ, सनरूफ ओपन नहीं हो रही अभी। बाकी भी ये था पूरा इंटीरियर इसका जबरदस्त वाला हेडरेस्ट, ओ अपना आर्म रेस्ट, और ये रहा भाई दो कप होल्डर, जबरदस्त लग रहा है। अब चलते हैं भाई इसके रियर केबिन की तरफ, तो भाई रियर केबिन में आपको सेकंड रो में आपको दिखा दूं, ये गेट है और थर्ड रो की एंट्री आपको यहीं से मिल जाएगी, जो हमें यहाँ से करने पड़ेगी, जैसे हम लोग अर्टिगा पर देखते आ रहे हैं, मतलब और एक्सल सिक्स में इस तरीके के। और इसकी जो है ना रिक्लाइन एंगल एडजस्टमेंट और अपना सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है आराम से। तो देखते हैं ये किसकी भाई, ये मुझे लग रहा है पीछे करने के, ये शायद हाइट का नहीं है, ये पीछे इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाएंगे आराम से। और हेडरूम को मैं आपको दिखा देता हूँ कितना जबरदस्त लग रहा है यार, सनरूफ अभी खोल के जैसे खुलती है बताता हूँ, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए भाई AC वेंट यहाँ मिल रहे हैं हमें, और ये मिल जाता है भाई अपना देख लो ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल पीछे के लिए भी भाई जबरदस्त। और ये कनेक्टिविटी मिल जाती है सी टाइप की, जबरदस्त है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं भाई सॉफ्ट फोल्डेबल, और ये देखिए AC वेंट यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा सेंट्रल में इसलिए क्योंकि भाई पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है पूरी, इतनी बड़ी देख रहे हैं आप देख सकते हो। पीछे भी देखिए AC वेंट आपको ये मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल पीछे वाले फिक्स मिलते हैं, और पीछे की सीट का आप सिस्टम कुछ इस तरीके का देख सकते हैं भाई। लैग रूम ज़्यादा नहीं मिलेगा अपना पीछे वाले में, बाकी आगे की तरफ ज़बरदस्त मिल जाता है। अब चलता हूँ भाई मैं आपको एक ओवर रिव्यू बता देता हूँ पूरा पूरा, आई होप कि आपको ना बहुत बढ़िया लग रहा होगा ये देख के भाई। दोस्तों ये है भी मारुति की इनविक्टो, अभी अभी पर्दा उठा है बिल्कुल, बस जस्ट हटा है, बस मैं उसका रिकॉर्ड करना भूल गया, बस एक फुल्ली वो ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फुल्ली वॉक अराउंड रिव्यूज की डिटेल में जल्दी लेके आने वाला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।